तो हेलो जी, कैसे हो? हम आज देखेंगे 2000s। आई थिंक दैट वाज द एरा। कुछ देखो, 2000s में ना, शायद से 2000s, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेकेड, कुछ मैं नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन मैंने इन फिल्म्स को देखा है, ठीक है। और मुझे पता है कि दीज आर द बेस्ट फिल्म्स दैट बॉलीवुड हैज एवर क्रिएटेड। ऑल राइट, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के वैल्यू में देखो, कॉमेडी के वैल्यू में देखो, एंटरटेनमेंट ओवरऑल, ये एरा में सबसे बेस्ट फिल्म्स बने हैं, ठीक है। जो आपको हंसाती है, जो आप कभी भी देख सकते हो, आप कभी भी किसी के साथ भी देख के हंस सकते हो, वैसे फिल्म्स। और सबके सेंटर में थे प्रियदर्शन। उन्होंने इतने फिल्म्स बनाए, माँ कसम, उन्होंने इतने फिल्म्स बनाए, हम उन्हीं के मोस्ट फिल्म्स देखेंगे इन इस कंपाइलेशन में, मुझे लगता है। आई हैव नो आइडिया हाउ व्हाट क्लिप्स दे आर गोना बी, बट आई होप दैट दे आर एटलीस्ट सम ऑफ प्रियदर्शन्स क्लिप्स, सीन्स फ्रॉम हिज मूवीज, बिकॉज आई फील लाइक ही हैज लेफ्ट अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। बॉलीवुड इंडस्ट्री पे उन्होंने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लाया है, और मुझे लगता है कि उनकी ही फिल्म्स अभी तक कहीं पे भी चल सकते हैं, कोई भी देख सकता है, ठीक है। और बहुत है, लेकिन फिर भी मेरे पर्सनल फेवरेट वही है। और एट द सेंटर ऑफ प्रियदर्शन फिल्म्स, उनका एक सिलेक्टेड कास्ट होता था, और अक्षय कुमार वॉज वो एट द सेंटर ऑफ दिस दीज ऑल फिल्म्स थे, ठीक है। मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को पता है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। सो हम देखेंगे उनके क्लिप्स, कॉमेडी स्टार कंपाइलेशन। सो देखते हैं क्या है, कौन से फिल्म आने वाले हैं। आई होप कि मैं एग्जैक्टली कौन से फिल्म के कौन सा सीन है वो बता सकूँ, क्योंकि मेरे मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता है मैं इतना शार्प नहीं हूँ, ठीक है। मेरे को इतना इतना याद नहीं रहता। तो वील कंटिन्यू और हम देखते हैं, लेट अस गेट ऑन विद द शो। किमारू इज आई थिंक ये सबके पुराने फिल्म्स के लाइसेंस इन्हीं के पास होता है शायद से, कॉपीराइट स्ट्राइक मत डालो। मुझे लगता है कि ये देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि दीज फिल्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको है ना अपने आगे वाले जनरेशन तक के लिए प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो समझेंगे कि कॉमेडी क्या था, ठीक है। व्हाई हैव दे ओके, एवरीथिंग इज बॉलीवुड, दिस रीजनल, हाँ रीजनल, मराठी, दिस इज मराठी, दिस इज साउथ, दिस इज पंजाबी। साउथ मैं बोलता हूँ साउथ क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता तमिल तेलुगु कौन सा है, मैं आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट एरिया, और मुझे नहीं फुकट का घुसना है। जिस जो जो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ मैं उसके बारे में नहीं बोलता, आई रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट। ऑल राइट, मेरा इंडियन एक्सेंट क्यों निकलता है, मैं हिंदी में बात करता हूँ तभी। आई हैव अ वेरी गुड एक्सेंट एंड दिस इज हाउ आई नेचुरली स्पीक, बट आई डोंट नो वाई माई इंडियन एक्सेंट कम्स आउट व्हेन आई स्पीक इन हिंदी, बट फाइन फाइन, इट्स फाइन, लेट्स जस्ट मूव ऑन। पहला सीन आइकन को दबाना ना भूलें। ये हलकट, ये हेरा फेरी में का सीन है, या फिर हेरा में, फिर ये इधर हम दोनों काम कर ले तो उधर चौकीदार की तरह चक्कर काट। हेरा फेरी इज माय फेवरेट बॉलीवुड फिल्म एवर, शायद से नहीं, आई थिंक आई कांट, मैं और किसी फिल्म के बारे में सोच नहीं सकता जो इससे ज़्यादा मेरे को मुझे एंटरटेनिंग लगती है। बहुत एंटरटेनिंग है फिर हेरा फेरी भी, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग, लाइक बियॉन्ड बियॉन्ड इस लेवल के फिल्म्स अभी तक मेरे को ये लगता कोई बना पाएगा। ये भाई बहुत लेजेंडरी फिल्म है, ये बहुत लेजेंडरी। हर इंडियन मीम इंडस्ट्री इस फिल्म के बेसिस पे खड़ी हुई है, और ये फिल्म अक्षय कुमार हिमसेल्फ, परेश रावल, ये दोनों एक्टर्स जो है इनके ऊपर, इनके कंधों पे पूरा मीम इंडस्ट्री खड़ा है। आज आज जो मीम इंडस्ट्री है इतना बड़ा इंडिया में,
वो दे हैव अ बिग पार्ट इन दिस, दे हैव अ बिग पार्ट। अभी एक मीम आएगा देखो, दिस लाफ मैन, दिस फकिंग लाफ। बाबू भैया एक आदमी आने वाला है, मस्त पैक उसको मैंने बाटली में उतारा। मैं जोर से हंस नहीं सकता, मैं आपको पता नहीं मेरा कितना मन कर रहा है इतना जोर से हंसने का, मैं नहीं हंस सकता। रात को रिकॉर्ड करता मैं वीडियो, 3-4 बज रहे, नहीं हंस सकता मैं, मेरा बहुत मन कर रहा है हंसने का, माँ कसम नहीं हंस सकता, नहीं हंस सकता, कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। पता है ठीक है थोड़ा वाहियात जोक था, लेकिन चलता है यार, स्लैपस्टिक ह्यूमर है बहुत। दे जोक्स आर ऑलवेज हिट एंड मिस, कोई जोक्स लगते हैं अच्छे से, कोई जोक्स मिस होते हैं। ओवरऑल ओवरऑल मोस्ट ऑफ द जोक्स इन दिस फिल्म, हिट वेरी वेल ऑन द मार्क। ये दिस इज अ लेजेंडरी मीम इन इट सेल्फ। ये वो लाफ, वो और ये जो, दैट्स वाई ही इज द गोट, दैट्स वाई अक्षय कुमार इज द गोट। अरे बहुत बहुत सही एक्टिंग करता है बंदा भाई, बंदा मतलब क्या ही बोले अभी, एक्टर। अभी वाले टाइम पे मेरा बिल पास नहीं करेंगे तो मेरे मजदूरों को पैसे कैसे दूंगा क्या? जिस ये खट्टे खट्टा मीठे का है, खट्टा मीठा फिल्म, ये खट्टा मीठा का है, ये घर देख के बोलो पता चल गया खट्टा मीठा का है। बहुत बहुत अच्छी फिल्म, और एक क्या ही बताओ यार फिल्म के बारे में, बहुत सही फिल्म है यार, देखो तुम देखो, अगर तुमने नहीं देखा तुम देखो, हर एक इंडियन ने देखी है ये फिल्म। और ये वीडियो मैं बोला, जैसे मैंने बोला अगले जनरेशन के लिए बनाई है, जिससे आप एक्सप्लोर कर सको ये सारी चीज़ें, ये सारी फिल्म्स, हमारा गोल्डन एरा। और देखो आपको मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये कौन से फिल्म है, दे दना दन है क्या? नहीं, ये दे दना दन नहीं है। नहीं, मैं भूल गया, भागम भागे। हाँ, ये भागम भागे, भागम भागे, भागम भागे, भागम भाग, भागम भाग। नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी डबिंग है, फिर भी मेरे को बहुत मजा आता है भाई ये फिल्म सीन देखने में। सुनो हम वीडियो को ना दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, 26 26 मिनट की वीडियो है, हर एक पूरे एक वीडियो में मैं नहीं डालूंगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी, मेरे को नहीं करना वो, तो मैं इसको आधा करूंगा, 13 मिनट तक रखूंगा, 13 मिनट देखते हैं, 13 मिनट तक कोई सीन आता है ऑफकोर्स सीन में डिवाइड करेंगे इसके, 13 मिनट के अराउंड जो भी सीन एंड होगा वो अपन उधर तक। हो गया हो गया हो गया हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। आज का वीडियो अभी इसी इसी पॉइंट पे एंड करते हैं, ठीक है। साला मेरा रिकॉर्डिंग के वांदे लग रहे हैं भैंचोद, मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को मेरा कंप्यूटर रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, मतलब ऐसा अटक रहा है, बहुत बहुत गंदा वाला अटक रहा है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ इधर ही। मैंने आपको पता नहीं, मैंने 2 दिन वेट किया इस एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, मैं तो 5-10 मिनट की वीडियो की मेरे को पता भी नहीं, ठीक है। तो अभी मैं हाथ नहीं लगाएगा कंप्यूटर को ज़रा, 2-3 घंटा, 2-3 घंटा के 1-2 दिन कुछ मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लूँगा। मेरे को नहीं लगता भाई कंप्यूटर कुछ कुछ तो बकचोदी हो जाए, मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को इन डिटेल जाना पड़ेगा क्या हो रहा है, वो समझ लूँगा मैं, वो आप मुझ पर छोड़ दो। आपको अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो इस चैनल को, और शेयर करना इफ़ यू वॉन्ट, एंड मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।